अगर आपके पास कोई लैपटॉप है और उसका जो है कीपैड काम नहीं कर रहा और उसके जो है कुछ कीज़ या तो ख़राब हो गए हैं और उनसे जो है टाइपिंग नहीं हो पाती, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके दो उपाय हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर नहीं भी है लैपटॉप तो भी आप ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको एक नई नॉलेज मिले, आपको एक नई जानकारी मिल सके, क्योंकि नॉलेज से ही आदमी को आगे बहुत फ़ायदा होता है। मैं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज और ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हमारे दूसरे वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन को दबाएं। तो शुरू करते हैं। मेरे पास भी ये लैपटॉप एक है, उसमें भी जो है कुछ कीज़ उसके जो है काम नहीं कर रहे हैं। मैंने देखिए माइक्रोसॉफ्ट का एमएस वर्ड खोला हुआ है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे देखिए ये क्यू दबाया नहीं इससे आया, डब्ल्यू दबाया नहीं आया, ई आर टी वाई यू यू आ गया है, ये आई आ गया है, ओ भी आ गया है, और वैसे ही ये देखिए एक दो दो आया है, तीन नहीं आया, चार नहीं आया, पाँच नहीं आया, तो इसमें कई ख़राब हो गए हैं। जैसे ए दबाया है ए नहीं आया, जेड एक्स एक्स आ गया, जेड नहीं आया था, सी वी ये आ गए हैं बी, तो इसमें कई जो है कीपैड इसमें कई कीज़ ख़राब हो गई हैं। लेकिन यह है कि इसका ओरिजिनल अभी मिल नहीं रहा और डुप्लीकेट लगवाने से कोई फ़ायदा नहीं, ख़राब हो जाएगा वो भी जल्दी। तो इसमें जो है मैं दो तरीके से काम करता हूँ, या तो देखिए इसमें आप अलग से यूएसबी का कीबोर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें PS2 नहीं है तो यूएसबी लीड वाला ही कीबोर्ड लगेगा। तो या तो आप जो है आपके पास अगर यूएसबी लीड वाला कीबोर्ड है उसको आप अलग से लगा के उससे आप अपना टाइपिंग का या कोई भी काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूएसबी कीबोर्ड नहीं है और आपको अर्जेंट कुछ काम करना है, या आप जो है बिना कीबोर्ड के काम करना चाहते हैं, इसका कीपैड काम नहीं कर रहा, तो भी एक रास्ता है, बहुत ही आसान रास्ता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले आप जो है इधर इसमें जाइएगा, स्टार्ट बटन में, स्टार्ट बटन में गए, ये दबाया स्टार्ट बटन। अब इसके जो है ये सेटिंग में जाएंगे हम लोग, सेटिंग को खोला, सेटिंग खोलेंगे तो सेटिंग खोलने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो है इजी ऑफ एक्सेस ये आ रहा है। इजी ऑफ एक्सेस को हम जो है सेलेक्ट करेंगे, इजी ऑफ एक्सेस को जो है लिया। अब ये जो है इजी ऑफ एक्सेस जो है खुल गया। इसमें ये देखिए या तो यहाँ पे टाइप कर देंगे कीबोर्ड, और नहीं तो फिर ये इसमें नीचे देखिए, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ स्क्रॉल, तो नीचे जाएंगे, ये देखिए कीबोर्ड है, इसको हम जो है यहाँ से ऑन करेंगे, इस पर क्लिक किया तो इधर देखिए कीबोर्ड आ गया। अब इसमें ये जो है ये देखिए ऑफ है, इसको हम ऑन कर लेंगे। ऑन जैसे ही करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये देखिए कीबोर्ड आ गया, इसको कहते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, स्क्रीन पे कीबोर्ड आ गया है। तो इसका शॉर्टकट भी है, ये देखिए इन्होंने लिखा है शॉर्टकट में, ये देखिए इसका जो है ये लोगो है विंडोज़ 10 का, लोगो के साथ जो है कंट्रोल दबाइए प्लस ओ दबाइए, लोगो कंट्रोल प्लस ओ, ये तीनों चीज़ें एक साथ दबाएंगे तो आ जाएगा। अगर आपका कीपैड जो है सही है, थोड़ा बहुत ये तीनों चीज़ें उसमें काम कर रही हैं, तो आप जो है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इससे भी जो है ला सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसको बंद करने के बाद अगर जैसे कोई दिक्कत आती है, जैसे कभी कभी ये शॉर्ट कर जाता है, देखिए तो ये जेड जेड ये सब जो है आ जा रहे हैं, तो मैं तो इसको जैसे हमारा देखिए बैक स्पेस भी काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए जो है मैं इसको जो है पूरा सेलेक्ट करूँगा आगे तक, ये इससे मैंने किया और डिलीट वाला काम कर रहा, डिलीट को दबा दिया, अब ये देखिए सही हो गया। अब इससे ये देखिए इससे हर बटन काम करेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये जीरो, इसमें हर एक चीज़ काम करेगी। और इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कॉर्नर से इधर से कॉर्नर से आप इसको जो है खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये देखिए ये बड़ा हो गया। और अगर इसको यहाँ कॉर्नर से दबाएंगे तो इसको छोटा भी आप कर सकते हैं,
ताकि आप इसको और यहाँ से पकड़ के इसको स्क्रीन के किसी भी हिस्से में ले जा सकते हैं। तो बहुत ही ये भी फ़ायदेमंद है। अगर आपका जो है ये अभी आप नहीं कीपैड बदलवाना चाहते तो इससे भी आप काम कर सकते हैं। और इसको यहाँ से देखिए आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर लिया और जब इसको जो है ऊपर लाना हो तो इसको दबाया, फिर ये आ गया। तो इससे काफ़ी फ़ायदा है। तो अगर आपके इसमें जो है कोई भी गड़बड़ी है कीपैड में, एक भी बटन काम नहीं कर रहा, तो आप इससे काम ले सकते हैं। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये कैसे मैंने किया, कहाँ से आया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे थे चैनल नॉलेज और ज्ञान। आज का वीडियो बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।